तो WWE ने साशा बैंक्स को रिलीज कर दिया है। और इसके अलावा रूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि मिस्टर मैकमैन का अफेयर उनके किसी फॉर्मर फीमेल एम्प्लॉय के साथ चल रहा था और विंस मैकमैन ने उस एम्प्लॉय को उनका मुंह बंद रखने के लिए $3 million दिए थे। और इसके अलावा द फिंड ब्रे वाइट ने उनके सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो शेयर की है जिसमें लूक हार्पर और एरिक रोवन के साथ साथ रोमन रेंस भी हैं। और इसलिए ये रूमर्स सुनने में आ रहे हैं कि द फिंड ब्रे वाइट मनी इन द बैंक 2022 में रिटर्न आ सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो कुछ टाइम पहले की बात है कि साशा बैंक्स और नियोमी ने वॉकआउट कर दिया था WWE की लाइव शो मंडे नाइट रॉ से। और इसका रीजन फिर WWE ने ये बताया कि साशा बैंक्स और नियोमी उनकी स्टोरी लाइन के साथ खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप WWE मैनेजमेंट को पकड़ाई और वो चली गई WWE से। और इसके बाद कमेंट्री टीम ने साशा बैंक्स और नियोमी को बरी करना शुरू कर दिया क्योंकि कमेंट्री टीम बोलते हुए सुनाई दिए कि साशा बैंक्स और नियोमी काफी अनप्रोफेशनल हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद WWE ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो साशा बैंक्स और नियोमी की तरफ से फैन से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उस रात मंडे नाइट रॉ में साशा बैंक्स और नियोमी का मैच होने वाला था लेकिन इन दोनों के वॉकआउट करने से वो मैच नहीं हो पाया। और बाद में फिर हमें पता चला कि हेल इन अ सेल 2022 में साशा बैंक्स फेस करती रोंडा रोजी को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में और नियोमी फेस करती बियांका ब्लेयर को रॉ वुमेन्स टाइटल के मैच में। और इन दोनों ही मैच में साशा बैंक्स और नियोमी हारने वाली थी और यही चीज साशा और नियोमी को पसंद नहीं आई क्योंकि वो दोनों भी चैंपियन है तो एटलीस्ट उन दोनों में से किसी एक को जीतना चाहिए। और साशा बैंक्स और नियोमी को ऐसा लगा कि WWE उनकी चैंपियनशिप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और इसलिए उन्होंने वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप छोड़ी और वो WWE से चली गई थी। और अब ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है कि साशा बैंक्स को WWE ने रिलीज कर दिया है। और अभी हाल में ही साशा बैंक्स की एक फोटो सामने आई जिसमें साशा ने उनके बालों के कलर चेंज कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि साशा बैंक्स क्या AEW में जाती हैं या फिर वो हॉलीवुड में उनका करियर बनाती हैं क्योंकि साशा बैंक्स अभी रिसेंटली कुछ हॉलीवुड मूवीज में भी नजर आई हैं। वैसे नियोमी को WWE ने अभी तक रिलीज नहीं किया है और उसके पीछे रीजन हो सकते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस क्योंकि नियोमी रोमन के कजन जिमी उसू की वाइफ है। तो चलिए देखते हैं कि नियोमी को किस तरह की पनिशमेंट WWE देते हैं। तो WWE अगर आप बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने एटीट्यूड एरा और रूथलेस एग्रेशन के टाइम पर विंस मैकमैन की कुछ ऐसी स्टोरीज देखी होगी जहां विंस मैकमैन का अफेयर चल रहा है लेकिन ये सब सिर्फ एक स्टोरी लाइन थी। पर विंस मैकमैन के रियल लाइफ में अब कुछ ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि WWE बोर्ड विंस मैकमैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं क्योंकि विंस मैकमैन के ऊपर ऐसा आरोप है कि उन्होंने $3 million एक फॉर्मर फीमेल एम्प्लॉय को दिया है उनका मुंह बंद रखने के लिए क्योंकि उस एम्प्लॉय का अफेयर विंस मैकमैन के साथ चल रहा था। और जब ये न्यूज सामने आई है तो ट्विटर पे फैंस विंस मैकमैन को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं और विंस मैकमैन की बहुत बुराई हो रही है। वैसे आप लोग का इस बात पे क्या रिएक्शन है कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि WWE ज्यादातर उनके सुपरस्टार्स का नाम कॉपीराइट करवा लेते हैं ताकि उनके सुपरस्टार्स WWE से जाने के बाद भी उनका WWE वाला नाम कहीं और यूज नहीं कर सके। यहाँ तक कि जॉन सीना नाम भी WWE ने कॉपीराइट करवाया हुआ है। इसलिए सीना अगर किसी मूवी में काम करते हैं तो सीना को उस मूवी का प्रॉफिट थोड़ा सा WWE को भी देना पड़ता है। और सीना ने भी इस बात को कंफर्म किया है ये बोलते हुए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि WWE ने जॉन सीना नाम को इतना बड़ा बनाया है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि द फिंड ब्रे वाइट भी WWE ने कॉपीराइट करवाया हुआ है। और इसलिए जब WWE ने फिंड को WWE से निकाल दिया था तो ब्रे वाइट ने उनका ट्विटर पे नाम चेंज कर लिया था लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ब्रे वाइट ने उनके ट्विटर पे उनका नाम फिर से वाइट सिक्स रख लिया है। और इसलिए तब से रूमर सुनने में आ रहे हैं कि द फिंड ब्रे वाइट WWE में रिटर्न आ सकते हैं। और इसके अलावा अब द फिंड ने उनके इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें आप देख सकते हो कि द फिंड लूक हार्पर और एरिक रोवन है और ये तब की फोटो है जब लूक हार्पर सर और एरिक रोवन WWE में थे। और अगर आप गौर से पीछे देखोगे तो आपको रोमन रेंस भी नजर आएंगे। तो फिंड ने ये फोटो शेयर करते हुए साथ में ये कैप्शन लिखा है कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पास ये फोटो है लेकिन कुछ टाइम पहले ही ये फोटो उनके सामने आई और ये फोटो देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। और इसलिए अब ये रूमर कि द फिंड ब्रे वाइट WWE में वापस आ सकते हैं और ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। और क्योंकि मनी इन द बैंक 2022 WWE का नेक्स्ट इवेंट है तो उसमें द फिंड ब्रे वाइट रिटर्न आकर मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच भी जीत सकते हैं। वैसे क्या आप लोग द फिंड ब्रे वाइट को WWE में फिर से देखना चाहोगे या नहीं कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।